नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग पर और जानेंगे कि ये सिर्फ कमाने का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास का भी एक माध्यम है। अधिकांशतः जो भी लोग नेटवर्किंग से जुड़ते हैं या इसके बारे में सुनते हैं वो इसे सिर्फ कमाने का ही जरिया समझते हैं, किंतु ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आप अपने सपनों को ही नहीं बल्कि अपने टूटे हुए रिश्ते, जो कि सपने में भी नहीं जोड़ सकते, उन्हें भी जोड़कर और मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो भी व्यक्ति इस सेक्टर में वर्क करता है उसे समय समय पर ट्रेनिंग, फील्ड में जाकर प्लान इत्यादि ये सारे कार्य करता रहता है, जिसके कारण उसका स्वतः ही व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, जब तक कि कोई उसे यह न कह दे, वाह सर वाह, आपके आवाज़ में, आपके अंदाज में तो जादू है। दोस्तों, अधिकांशतः हम लोग ये देखते हैं या देखते आ रहे हैं, जॉब लगने के बाद बहुत सारे लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कुछ कम कर देते हैं, किंतु यहाँ बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक्चुअली रीज़न ही कुछ ऐसा होता है। या तो वो जॉब के चलते स्थान चेंज कर देते हैं, या जॉब में इतना प्रेशर हो जाता है, इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता अपनों के बीच समय बिताने का। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा जॉब है जहां आप अपनों के बीच और अपनों के साथ आगे बढ़ सकते हो। अंततः दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप अपना और अपनों का विकास बखूबी कर पाते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।